देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान की जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे कि जनजाति किसे कहते हैं, कि इन्हें गिरिजन वनवासी कहते, और इनका सामाजिक जीवन देखें, रहन सहन देखें, पहनावा देखें, वो क्या होता है, मुख्य समाज से अलग होता है, तो वो क्या कहलाती है, जनजाति कहलाती है। देखिए अपन मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मीणा के बारे में, प्रश्न बड़ा आएगा, जैसे इसकी बार भी चार नंबर का, इनमें से चार नंबर का आता है कि मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, या फिर आएगा कि मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए मीणा, राजस्थान में देखें तो आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा का प्रथम स्थान है, यानी राजस्थान में जो भी जनजाति हैं आदिवासी दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो उसमें मीणा जनजाति का क्या है, पहला स्थान है। ये राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी राजस्थान के सभी क्षेत्र हैं उनमें मुख्यतया देखें जनजाति पाई जाती है। ये मुख्यतया देखें तो राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर और उदयपुर जिलों में निवास करती है। यानी राजस्थान के मुख्यतया देखें तो जयपुर है, दौसा है, सवाईमाधोपुर है, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर, इन जिलों में क्या मीणा जनजाति का निवास स्थान है। यानी राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी जिले देखें तो इनमें मुख्यतः मीणा जनजाति क्या करती है, राजस्थान में निवास करती है। और राजस्थान में देखें तो सबसे ज़्यादा देखें तो उदयपुर ज़िले में क्या मीणा जनजाति की संख्या है। राज्य की जनजातियों में देखें सबसे संपन्न तथा शिक्षित मीणा जनजाति है, यानी राज्य की जो भी जनजातियाँ पढ़ेंगे उसमें सबसे संपन्न, समृद्धशाली और शिक्षित जनजाति कौन सी है, मीणा जनजाति है। मीणा समुदाय का मानना है कि उनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से हुई है, यानी मीणा समुदाय ये मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार यानी मछली के अवतार, खुद को ये मानते हैं जो भगवान विष्णु के थे, उसके प्रथम अवतार से ये प्रकट हुए थे, या मीणा जनजाति का उद्भव हुआ माना जाता है। वर्तमान का प्रचलित शब्द मीणा, मीणा मूलतः संस्कृत भाषा के मीन शब्द का अपभ्रंश है, यानी वर्तमान में इस जनजाति के लिए जो मीणा या मीणा शब्द काम में लेते हैं वो संस्कृत भाषा के मीन शब्द का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का एक विघटित रूप माने या एक टूटा हुआ रूप है, यानी इस जो मीन था उसी शब्द से क्या बना है बाद में, मीणा या मीना बना है। ये मीन का अर्थ होता है मछली से, यानी मीन का अर्थ क्या होता है, मछली होती है। और ऐतिहासिक तथ्य हैं कि वर्तमान में अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों के भूभाग में देखें तो मीणाओं की अधिकता प्राचीन काल से होने के कारण इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहते हैं। यानी ऐतिहासिक तथ्य या जानकारी ऐसी मिली है कि वर्तमान में अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले के ऐसे भूभाग जहाँ मीणाओं की अधिकता थी, यानी मीणे बहुत बहुत अधिक संख्या में थे, तो इस क्षेत्र को राजस्थान में प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और मीणाओं के दो प्रमुख वर्ग हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा, यानी और तो बहुत सारे मीणा भी आते हैं लेकिन मुख्य वर्ग के हैं दो ही हैं, जमींदार और चौकीदार मीणा। तो ये था मीणा जनजाति का सामान्य परिचय। उसके बाद देखिए मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन, देखिए प्रश्न बड़ा आएगा कि मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और इसकी अर्थव्यवस्था क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। देखिए मीणा जनजाति में देखें तो विवाह संबंधों, नातेदारी और रक्त संबंध को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी विवाह संबंधों में देखें तो नातेदारी प्रथा होती है, यानी किसी पति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को दूसरी शादी करते हैं, और रक्त संबंध होते हैं यानी इनके गोत्र वगैरह होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण मानते हैं। और प्राचीन काल में देखें तो मीणा जनजाति में ब्रह्म व गंधर्व विवाह का प्रचलन था, यानी प्राचीन काल में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मीणा जनजाति में देखें तो ब्रह्म विवाह यानी जिसमें सारे रीति रिवाज संस्कारों से विवाह होता था, वह गंधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह कहते हैं उसका प्रचलन था। वर्तमान में अन्य समाजों की भांति रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न होते हैं, यानी वर्तमान में देखें तो अन्य जो समाज हैं जैसे और दूसरे समाज के लोग करते हैं उसी के अनुसार क्या होते हैं, यहाँ पर विवाह संपन्न होते हैं इनके। मीणा जनजाति में देखें पुत्रियों का विवाह प्राय कम उम्र में कर देते हैं, यानी मीणा जनजाति में देखें तो पुत्रियों का विवाह प्राय कम उम्र में कर दिया जाता है, परंतु गौना विवाह योग्य आयु में किया जाता है। गौना मतलब विवाह छोटी आयु में हो गया, जिसको अपन मुकलावा कह सकते हैं भाषा में, वो शादी की उम्र में किया जाता है, बड़ी उम्र होने पर। इस जनजाति में देखें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, यानी मीणा जनजाति में देखें तो संयुक्त परिवार जो प्रथा रिवाज है वो इसमें पाया जाता है, यानी परिवार में दादा दादी, चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते हैं।
परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं, यानी पितृ प्रधान कह सकते हैं, यानी पिता का सभी आदर करते हैं, मानते हैं, कहना मानते हैं और पिता को बड़ा आदर करते हैं। नी संतान दंपति को गोद लेने का अधिकार है। नी संतान दंपति यानी ऐसे पति और पत्नी जिसके कोई संतान नहीं है तो उसको गोद लेने का भी अधिकार है। फिर सामाजिक जीवन में देखिए, मीणाओं में सामाजिक नियंत्रण में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी मीणाओं में देखें सामाजिक नियंत्रण, यानी समाज में कोई इस प्रकार की घटना करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो ये जो विवाद होते हैं वो अपनी एक पंचायत होती है इनकी, उसमें क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। और मीणाओं की परंपरागत पंचायत देखें तो उसके चार स्तर होते हैं, यानी परंपरागत जो प्राचीन काल की इनकी पंचायत होती थी वो चार स्तर की, यानी चार प्रकार की थी। एक ग्राम पंचायत, एक गोत्र पंचायत, एक क्षेत्रीय पंचायत और एक 84 पंचायत। यानी ग्राम पंचायत एक गांव की पंचायत होती थी, एक गोत्र की इनकी पंचायत होती थी, एक इनकी क्षेत्रीय पंचायत होती थी यानी एक क्षेत्र विशेष की जो पंचायत हो गई, और एक 84 पंचायत है। 84 में बड़ी पंचायत होती थी, सबसे बड़ी, जिसको ये 84 पंचायत कहती थी। तो चार प्रकार के पंचायत है, नाम ध्यान रखने, एक ग्राम पंचायत, एक गोत्र पंचायत, एक क्षेत्रीय पंचायत और एक 84 पंचायत। इसमें सामाजिक झगड़ों, नाता विवाह, तलाक, मौसर, चरित्रहीनता और ऋण आदि झगड़ों को पंचायती निपटाती है। यानी कोई सामाजिक झगड़े समाज में जो होते हैं, जैसे कोई नाता विवाह, एक दूसरे शादी कर ली, पत्नी की मृत्यु के बाद तलाक किसी ने दे दिया, मौसर मृत्यु भोज जिसको कहते हैं, या चरित्रहीनता जैसी, या ऋण वगैरह किसी ने ले लिया और उसको नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार के जो झगड़े होते हैं वो मीणा जनजाति में देखें तो इनकी जो चार पंचायतें अपनी पड़ी, ग्राम, गोत्र, क्षेत्रीय और 84, तो इन्हीं पंचायतों में क्या कर लिया जाता है, इस प्रकार के जो झगड़े होते हैं उनका हल कर लिया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण में देखें तो मीणा जनजाति में पंचायत का क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और चार प्रकार की पंचायत के नाम याद करने, ग्राम, गोत्र, क्षेत्रीय और 84 पंचायत। सबसे बड़ी कौन सी होती है, 84 पंचायतें होती है। उसके बाद देखिए मीणा जनजाति में सामाजिक जीवन में, आगे देखें सामाजिक जीवन में तो मीणा जनजाति में देखें तो धार्मिक मेलों तथा त्योहारों में दृढ़ धार्मिक आस्था रखते हैं। यानी इनमें देखें तो बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, दृढ़ का तो गहरी आस्था होती है, यानी बहुत ज़्यादा त्योहारों मेलों में रुचि से मनाते हैं इनको। महावीर जी करौली में भरता है, स्वयंमाधोपुर में गणेश जी और सीकर में रेवासा में जीर्ण के माता मंदिर पर मीणाओं के मेले लगते हैं। ये नहीं इनके मुख्य मेले, ये पूरा सामाजिक जीवन में याद करना पड़ेगा आपको। करौली में महावीर जी का प्रसिद्ध मेला ये भरता है, वहाँ पर ही जाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। स्वाई माधोपुर में देखें तो गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं। और सीकर में देखें तो रेवासा धाम में जीर्ण माता का मंदिर है, तो वहाँ पर भी देखें तो मीणाओं के जो प्रमुख मेले होते हैं वो भरते हैं, लगते हैं। मीणा जनजाति के लोग विभिन्न उत्सवों के समय नृत्य करते हैं, यानी बहुत सारे जो उत्सव होते हैं उसके समय नृत्य मनाते हैं और नृत्य भी करते हैं, गीत गाते हैं, ये नृत्य भी करते हैं उत्सवों के समय और गीत भी गाते हैं। स्त्रियां प्राय देवी देवताओं के गीत गाती हैं, यानी इनकी जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं मीणा जनजाति की, वो देवी देवताओं के गीत वगैरह गाती हैं जो इनके होते हैं, आराध्य देवी और देवता। होली के तीसरे दिन देखिए खेरवाड़ा और डूंगरपुर में नेजा नृत्य किया जाता है, यानी बहुत प्रसिद्ध नृत्य होली के तीसरे दिन शुरू होता है खेरवाड़ा उदयपुर में, और डूंगरपुर में देखें तो नेजा नृत्य होता है, ये इनका प्रसिद्ध नृत्य होता है। यानी नेजा नृत्य में देखें तो नारियल वगैरह बांध देते हैं जिनको पुरुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, कोई जैसे अपन कहीं खेजड़ी वगैरह उसके, और महिलाएं फिर पुरुषों को कोड़ों से क्या करती हैं, पीटती हैं, तो वह नृत्य कौन सा होता है, नेजा नृत्य, जो इनका प्रसिद्ध नृत्य है। फिर पहनावे में देखें तो मीणा पुरुष धोती व कमीज पहनते हैं, यानी इनकी प्रसिद्ध पोशाक या ड्रेस देखें तो ये धोती और कमीज पहनते हैं, सिर पर साफा बांधते हैं, यानी धोती और कमीज भी पहनते हैं, सिर पर साफा भी बांधते हैं। स्त्रियां देखें घाघरा, कांसली, ओढ़नी का प्रयोग करती हैं, यानी स्त्रियों के पहनावे में देखें तो मुख्यतः घाघरा है, जैसे कांसली है या ओढ़नी का प्रयोग ये इनकी जो महिलाएं वो करती हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ देखें तो शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति आधुनिक पहनावे, पेंट शर्ट आदि वस्त्रों का प्रयोग भी करते हैं। यानी जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ तो शहरी क्षेत्र से इनका क्या हुआ, संपर्क हुआ,
तो आधुनिक जो पहनावा है वर्तमान में जो लोग पहनते हैं जैसे पैंट शर्ट है या दूसरे प्रकार के जो वस्त्र होते हैं उनका भी क्या करते हैं ये प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके पहनावे में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। मीणा स्त्री या पुरुष गोदना गुदवाना पसंद करते हैं, यानी मीणा स्त्री हो या पुरुष दोनों ही गोदना गुदवाना पसंद करते हैं। गोदवाना अपना पढ़ा था जिसको अपन टेटू बोलते हैं, यानी हाथ पर देखें या पीठ पर देखें या मस्तिष्क पर देखें, तो किसी देवी देवता का चित्र बनाना नाम लिखना इस तरह की क्या करते हैं ये करते हैं। ये लोग शगुन को गंभीरता से लेते हैं, यानी कोई शगुन जैसे अपन कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया छींक दिया तो कोई शुभ काम न करे, तो इस प्रकार के जो शगुन होते हैं उनको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, गंभीर मानते हैं, क्योंकि जनजाति वाले हैं लोग हैं इस तरह जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं तो इनका ज़्यादा कोई मुख्य समाज से नहीं जुड़ पाए, तो इस प्रकार के शगुन या अंधविश्वास कहें तो इनको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं मान्यता देते हैं। तो ये पूरा था मीणा जनजाति का सामाजिक जीवन कि इनमें विवाह संबंध कैसे होते हैं, किस प्रकार की पंचायत होती हैं, कौन कौन से मेले भरते हैं, किस प्रकार का पहनावा है, ये सब अपन को किस में लिखना है, सामाजिक जीवन में लिखना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न आएगा एक ही आएगा 4 नंबर का कि मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था का क्या कीजिए वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए इनकी अर्थव्यवस्था या इनकी आर्थिक क्रियाएं कि इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, आर्थिक क्रिया क्या करते हैं। मीणा प्रधानतः कृषक वर्ग है, यानी मीणा मुख्यतः देखें या प्रधानतः देखें कृषक वर्ग यानी किसान है जो कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं, यानी कृषि तो करते ही करते हैं और इसके साथ साथ देखें पशुपालन का कार्य भी ये करते हैं। मीणा जनजाति में बंटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है, यानी मीणा जनजाति में देखें बंटाईदार कृषि व्यवस्था, बंटाईदार जानते हैं ना हिस्से में देना जिसको अपन बोलते हैं, यानी जैसे आधा इन्होंने खुद ले लिया आधा जिसकी भूमि थी उसको अपना अनाज का हिस्सा दे दिया, तो इस प्रकार बंटाईदार कृषि व्यवस्था भी कृषि भी करते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन लोगों में सरकारी सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रति रुझान बढ़ा है, यानी इनके प्रति भी इनकी रुझान या दृष्टिकोण देखे तो बढ़ा है, क्योंकि इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ तो लोग धीरे धीरे बहुत सारी जो सरकारी सेवाएं शिक्षक है पुलिस है अन्य जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सेवाओं भी क्या ये पहुंचे रहे हैं। और सरकारी सेवाओं में देखें तो आरक्षण के कारण वर्तमान में इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अन्य समुदाय से तुलनात्मक रूप से क्या हो गया, बहुत सुदृढ़ हो गई यानी मजबूत हो गई है। यानी सरकारी सेवाओं में देखें तो आरक्षण का जो सबसे अधिक लाभ मिला है वो किसको मिला है, मीणा जनजाति के समुदाय के लोगों ने उठाया है। अपन देखें ना शिक्षक है पुलिस है बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, रेलवे में देखें तो सब अधिकारी आपको मीणा मिलेंगे, बिजली विभाग देखें या जलदाय विभाग देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आरक्षण मिला रिजर्वेशन इनको मिला जनजातियों में जो इनका कोटा था आरक्षण था उसमें सबसे ज़्यादा लाभ देखें तो किसने उठाया, मीणा जनजाति के लोगों ने उठाया है। तो अन्य समुदाय की देखें अध्ययन करें अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इनकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ यानी मजबूत हो गई है। तो ये थी मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था की प्रधानता, तो ये कृषक वर्ग हैं खेती का कार्य करते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मीणा जनजाति में देखें तो बंटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है, यानी बंटाईदार हिस्से में देना किसी को बंटाई पर देना आधा अपन लेना आधा किसी को देना इस प्रकार की कृषि भी करते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ साथ साथ तो लोगों का सरकारी सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रति रुझान बढ़ा है, यानी सरकारी सेवा के प्रति देखें तो ये ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि शिक्षा का प्रसार हो तो लोग क्या हो गए जागरूक हो गए धीरे धीरे। और सरकारी सेवाओं में देखें तो आरक्षण के कारण वर्तमान में इनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो अन्य समुदाय की तुलनात्मक रूप से क्या हो गई बहुत ही सुदृढ़ हो गई, यानी सरकारी सेवाओं में देखें तो आरक्षण का जो सबसे ज़्यादा लाभ है जनजातियों में वो इन्होंने उठाया है, और इनकी जो स्थिति देखें वो अन्य समुदाय की तुलना में क्या हो गई बहुत ही मजबूत या सुदृढ़ हो गई है। तो ये अपनी पहली थी जनजाति मीणा जनजाति, अच्छे से याद करना है सामान्य परिचय कहाँ रहते हैं कौन कौन से जिलों में निवास करते हैं कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है कौन कौन से दो इनके मुख्य वर्ग हैं, फिर इनके सामाजिक जीवन के बारे में इनके विवाह संबंध धार्मिक मेले रीति रिवाज जो भी पहनावा है ये याद करने, और अंत में इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में याद करना है, क्योंकि किसी भी एक जनजाति के बारे में बड़ा प्रश्न इस पाठ में से आता है हर बार 4 नंबर का। अब की बार भी आया कि मीणा जनजाति के सामाजिक विश्लेषणात्मक अध्ययन का वर्णन कीजिए, तो बहुत अच्छे से याद करना है किसी एक जनजाति के सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए।
कीजिए। तो मीणा जनजाति को आज अच्छे से याद करना, उसके बाद कल अपन भील, सहरिया और ग्रासिया जनजाति के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ठीक, धन्यवाद।